मीडिया में आपका स्वागत है। ये जो बनाया है मैंने, बच्चों का तो फेवरेट होता ही है, पर बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। पर ये पास्ता में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने इसको जो बनाया है, इटालियन तो है ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने इंडियन टच भी दिया है। तो जरूर बनाइएगा ये पास्ता विद इंडियन स्टाइल, और मुझे बताइएगा कि आपका ये जो पास्ता है ये बनके कैसा तैयार हुआ है। वैसे देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप ही बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि जब आपने मेरे स्टाइल से ये पास्ता बनाया है इंडियन स्पाइसेस डाल के, तो ये कैसा बना है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। बनाने के लिए पहले हम पानी को बॉईल करेंगे और इसमें हम नमक डालते हैं। 1 टीस्पून के करीब में मैंने नमक डाला है और इसी के साथ हम थोड़ा सा डालेंगे तेल, जिससे कि जो हमारा पास्ता है वो खिला खिला बनेगा। 2 से 3 टीस्पून आप इसमें तेल डाल दीजिएगा और अब बॉईल आने पे हम पास्ता इसके अंदर डाल देंगे। पानी हमारा बॉईल हो गया है, अभी हम इसमें पास्ता डालेंगे। मैंने 300 ग्राम के करीब में नॉर्मल वाला पास्ता लिया हुआ है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम पका लेंगे अच्छे से, मतलब कि ये अच्छे से गल जाना चाहिए। इसके पकने का हम वेट करते हैं। ये देखिए पास्ता जो है हमारा बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। एक कट करके भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हाँ ये अच्छे से कट हो गया है। ठीक है, अब इसके इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और पास्ता को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये पास्ता मैंने निकाल लिया है और आप जैसे ही पास्ता को निकालते हैं गर्म पानी में से, इसको तुरंत आपको वॉश करके ठंडा करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कढ़ाई चढ़ाई है अभी मैंने और इसमें हम डालेंगे तेल। 2 टेबल स्पून भर के आपको तेल लेना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब में ये मैंने लहसुन लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। कलर नहीं चेंज करेंगे इसका, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। मैंने 2 चॉप किए हुए प्याज लिए हुए हैं, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। ये जो मैं पास्ता बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा इंडियन तड़का लगाऊंगी, जिससे कि ये इंडो और इटालियन दोनों का टेस्ट आ जाएगा। अब जब हमारे जो प्याज हैं वो जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। 4 हरी मिर्च ली है मैंने, उसको स्प्लिट कर दिया है बीच से। इसको भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं, इसको डालते हैं और इसको सॉफ्ट होने देंगे। एक प्यूरी जैसा, पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए, तब तक हम इसको हल्का सा लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं। फ्लेम जो है इसको लो रखिएगा। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें कुछ वेजीज डालते हैं। कैरेट ली हुई है मैंने, 1 ली हुई है, इसको छोटा छोटा सा क्यूब्स स्लाइस में काट लिया है, इसको डालेंगे। अभी फिलहाल यही डालेंगे। शिमला मिर्ची जो है वो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होती है तो गाजर को गलने में टाइम लगता है, इसलिए इसको पहले डालिएगा। थोड़ा सा जब ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम शिमला मिर्ची डालते हैं। गाजर हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई, इसको पूरे तरीके से आपको पकाना नहीं है, जो क्रंचीनेस है वो होना चाहिए इसके अंदर बस। इसके बाद मैंने छोटी छोटी 2 शिमला मिर्ची ली हुई है, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। और इसी के साथ मैंने मटर लिया हुआ है। ये इंडियन स्टाइल है तो मटर तो ज़रूरी है, ऐसे ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, अदरवाइज कोई बात नहीं।
इसको भी हल्का सा फ्राई करते हैं और इसी के साथ हम अपने इंडियन मसाले डालते हैं। कुछ अब मसाले में हम डालते हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर जो है वो 1/4 जाएगा इसमें, और ज़ीरा पाउडर 1 पिंच के करीब में इसमें जाएगा। हमने बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, इस बात का आपको ध्यान देना है और उसी के हिसाब से आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून लिया हुआ है, इतना सफिशेंट हो जाता है। बस अब इन सब के बाद हम इसको अच्छे से एक बार चलाते हैं। फ्लेम जो है वो लो रखिएगा। ये देखिए, अब कुछ और मसाले हैं जैसे कि टोमेटो सॉस, ये सब इटालियन टाइप में आ जाते हैं, तो हमने डाला है टोमेटो सॉस 2 छोटे चम्मच लिया हुआ है। रेड चिल्ली सॉस लेंगे हम 1 टीस्पून के करीब में। सोया सॉस बहुत कम लेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब में आपको लेना है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो सेजवान सॉस जो होती है वो मैंने 1 टीस्पून के करीब में डाला है। अब इन सबको बहुत अच्छे से हमको चलाना है, 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपना पास्ता जो बॉईल करके रखा था ना, उसको हम इसमें डाल देते हैं और ऊपर नीचे करके बहुत अच्छे से इसको हम चला लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके आपको अच्छे से चला लेना है। पास्ता तो हो गया, पर इसमें थोड़े से और सामान जाएंगे जिससे कि जो हमारा पास्ता है वो एक नंबर बन जाएगा। जो चिली फ्लेक्स है उसको हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब में आपको लेना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ओरिगैनो डालेंगे। इससे जो टेस्ट है ना वो एकदम इटालियन टाइप लगेगा, मतलब इंडियन में तो हमने मसाले डाल दिए और इटालियन फ्लेवर लाने के लिए ये सब चीज़ें हमको डालना ज़रूरी है। अब इसके बाद एक बार फिर से हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। देखिए लग रहा है ना, एक नंबर। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक तो ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने इसको ट्राई किया है मेरे स्टाइल में। ऊपर से थोड़ा सा पास्ता मसाला डाल दीजिए, ऑप्शनल है तो डालिए, अदरवाइज ये ऐसे भी फ्लेवर आ ही जाएगा पास्ते का। अब लास्ट में हमको क्या करना है, चीज़ डालना है हमको। मेरे पास है स्लाइस चीज़, ये देखिए, ऐसे डाल के इसको गैस का फ्लेम जो है वो लो रखना है आपको, और इसी तरीके से आपको आराम आराम से सारी जो स्लाइस है चीज़ की वो बिछा देना है। इससे जो आपका टेस्ट है ना पास्ता का वो बहुत बेस्ट आता है। अगर स्लाइस चीज़ है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज़ कोई दूसरी चीज़ आपके पास है वो भी डाल सकते हैं। और थोड़े देर के लिए हम इसको ऐसे ही स्लो आंच पे ढक के पका देंगे। सब जगह इसको चीज़ को ऐसे बिछा दीजिए। ये हो गया हमारा, इसको स्लो आंच करके आपको ढक के रखना है थोड़े देर के लिए ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस 1 मिनट के लिए। ये देखिए, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा जो पास्ता है वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ये बनके तैयार हो गया है। लेकिन मुझ में एक प्रॉब्लम है कि जब तक मैं धनिए से स्प्रिंकल नहीं कर लेती हूँ अपनी कोई भी डिश, चाहे वो इटालियन हो, इंडियन हो या चाइनीज़ हो, मुझे मेरी डिश इनकम्प्लीट सी लगती है। ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पास्ता जो है वो बनके तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं।